आपका क्वेश्चन है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12। ठीक है, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 द फ्रैक्शन बिकम्स हाफ, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले तो फ्रैक्शन क्या है हमारा, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर हमने क्या लिया, न्यूमरेटर हमने लिया x एंड डिनोमिनेटर हमने लिया y। ठीक है, न्यूमरेटर हमने x लिया, डिनोमिनेटर हमने y लिया। इसने क्या कहा, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12, दैट मींस x प्लस y इज इक्वल टू 12, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर इसने क्या कहा, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 द फ्रैक्शन बिकम्स हाफ, तो क्या हो गया हमारा, हमारा हो गया x by y plus 3, इंक्रीज हुआ हमारा डिनोमिनेटर, तो x by y plus 3 इज इक्वल टू क्या बन गया, फ्रैक्शन हाफ 1/2। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू y प्लस 3। ठीक है, y को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो हमारा आ जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारा आ गया। अब ये दोनों को हम साथ में लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 12, और दूसरा क्या है हमारा 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। एलिमिनेट करते हैं हम इसको y में तो ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा आ गया 3x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इज 15, तो व्हाट इज x, x इज इक्वल टू 15 बाय 3, कट करेंगे तो हमारा आएगा 5, तो x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये वाली x की वैल्यू को हम फर्स्ट में डाल देते हैं तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा पुट x वैल्यू इन 1। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन हमारा है x प्लस y इज इक्वल टू 12, तो क्या आ गया 5 प्लस y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसने पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन अब हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हमारा हो गया क्या हो गया, x हमारा क्या निकल के आया 5 एंड डिनोमिनेटर हमारा क्या निकल के आया 7, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया 5/7 इज अवर फ्रैक्शन। ठीक है,